नमस्कार, मनोदेल सेरे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के जो प्रमुख महल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। चलो चलिए तो देखो शुरू करते हैं। महलों की नगरी से नगरी के नाम से कैसे जाना जाता है? उदयपुर को। ठीक है, महलों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर को। जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? डीग भरतपुर को। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि महलों की नगरी किसको कहते हैं, तो आंसर होगा उदयपुर। जल महलों की नगरी कौन सी है? डीग भरतपुर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जयपुर के देख लेते हैं। हवा महल कहाँ है? जयपुर में है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा खिड़कियाँ हैं। कितनी खिड़कियाँ हैं इसमें? 365 खिड़कियाँ हैं और 953 झरोखे हैं। ठीक है, आप देखो इसका निर्माण किसने करवाया था? ये 5 मंजिला है और इसका निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। कौन सी ईयर में? 1799 में। क्वेश्चन आया हुआ है कि सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण कब करवाया था? तो 1799 में। ये कितना मंजिला है? 5 मंजिला है। इसका ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें कितने झरोखे और कितनी खिड़कियाँ हैं। तो कितने झरोखे हैं? 953 तो झरोखे हैं और 365 खिड़कियाँ हैं। ठीक है, इसके जो वास्तुकार निर्माण जो इसका इसको बनाया किसने था? जो वास्तुकार थे वो कौन थे? लालचंद्र कारीगर। ठीक है, कौन था? लालचंद्र कारीगर था। उसका ये इसका वास्तुकार था हवा महल का। ठीक है, इसकी आकृति है वो किसके समान है? कृष्ण भगवान के मुकुट के समान है। जो सवाई प्रताप सिंह थे उन्होंने अपनी रानियों के लिए बनाया था कि जब छोटी तीज तीज की सवारी निकलती या फिर कोई भी अन्य भव्य प्रोग्राम होता है तब ये जो रानियाँ थी वो इस हवा महल की जो खिड़कियाँ थी झरोखे थे उनसे क्या करती थी? देखती थी उसको। इसलिए इसने सवाई प्रताप सिंह ने निर्माण करवाया था। ठीक है, इसमें देखो मंदिर भी बने हुए हैं। शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर और प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर इसमें हवा महल में बने हुए हैं। ठीक है, इसके वास्तुकार थे लालचंद्र कारीगर। अब देखो नेक्स्ट आता है अपना आमेर का महल। आमेर का महल कहाँ है? जयपुर में है। ठीक है, इसका निर्माण करवाया था मान सिंह ने। कब करवाया था? 1592 में। और हवा महल का बना था 1799 में। अब देखो ये जो आमेर का महल है वह हिंदू व मुस्लिम दोनों शैली में बना हुआ है। कौन सा महल है जो हिंदू व मुस्लिम शैली में बना हुआ है? तो वो कौन सा है? आमेर का महल है। ठीक है, अब देखो हिंदू मुस्लिम शैली के होने की वजह से एक नाम है इतिहासकार है विशप हेपर। ठीक है, विशप विशप हेपर क्या बोलते हैं? मैंने कमलीन में जो कुछ देखा है। ठीक है, कमलीन जगह है उसमें उसने लिखा है कि मैंने कमलीन में जो कुछ देखा है और अल ब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना है उससे भी बढ़कर ये क्या है? महल है। उसकी इसकी तारीफ में ये वर्ड बोलता है विशप हेपर। ये इतिहासकार था, इसने कहा है। तो क्वेश्चन आ जाता है विशप हेपर ने या फिर ये पूरा लाइन दे देते हैं फिर बोलते हैं ये किसने कही थी आमेर महल के बारे में? कही थी किसने? कही थी विशप हेपर ने कही थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना शीश महल। ठीक है, शीश महल कहाँ है? जयपुर में। आमेर का महल कहाँ है? जयपुर में। और हवा महल कहाँ है? जयपुर में। ठीक है, जयपुर जयपुर के पढ़ रहे हैं अपन। उसके बाद में नेक्स्ट आएगा जो शीश महल है उसका निर्माण किसने करवाया था? मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। आमेर के किले में करवाया था मिर्जा राजा जयसिंह ने। ठीक है, इसमें क्या है? दीवाने खास है, जगह है दीवाने, इसको क्या बोलते हैं? दीवाने खास भी बोलते हैं। इसमें जो महाकवि बिहारी है उसने क्या कहा है? दर्पण धाम भी कहा है। इसको क्या कहा है महाकवि बिहारी ने? दर्पण धाम। दर्पण धाम के बारे में किसने कहा है? शीश महल के बारे में। ये बना कहाँ हुआ है? आमेर के किले में। किसने कहा है? महाकवि बिहारी ने कहा है। क्या ये दर्पण धाम भी है? ठीक है, सिटी प्लेस या चंद्र महल कहाँ है? जयपुर में। वर्तमान में राज परिवार का निवास स्थान है कि वर्तमान में जो राज परिवार के जो सदस्य हैं वो इसी में रहते हैं सिटी प्लेस के अंदर। इसका एक पार्ट में रहते हैं, एक पार्ट में क्या है संग्रहालय बनाया हुआ है। ठीक है, वो जो वस्त्र थे ना उसके जो पुराने राज परिवार के वो इसमें रखे हुए हैं। बहुत ही शानदार है सिटी प्लेस चंद्र महल। वर्तमान राज परिवार का निवास स्थान है। इसके बरामदे विश्व के सबसे बड़े दो चांदी के पात्र रखे हुए हैं इसमें। ठीक है, ये पहले इसमें क्या करते थे जो राजा महाराज थे वो इन दो पात्रों में क्या गंगा का जल थे गंगा का जल था वो ले रखते थे इसके अंदर। ठीक है, मुबारक महल बना हुआ है इसमें। ठीक है, मुबारक महल माधो सिंह के द्वारा बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? क्योंकि इसमें देखो राज परिवार रहता, राज परिवार रहता वो अपने जो जो राजपूत या फिर कोई भी अन्य जो राजा आता हो तो उसके स्वागत के लिए या फिर उसके अतिथि सत्कार के लिए एक मेहमान खाना के रूप में था ये मुबारक महल। ठीक है, इसको अतिथि सेवा के लिए काम में लेते थे। ये मुगल राजपूत और यूरोपीय शैली में बना हुआ है। कितने शैली में बना हुआ है? क्योंकि मुगल के जो लोग रहते तो मुगल मुगल के बनाए उसने, राजपूत के रहते राजपूत और यूरोपीय जो आते उनके लिए यूरोपीय शैली, यानी तीनों का मिश्रण मिलता है मुगल राजपूत यूरोपीय शैली का। कौन सा मुबारक महल किसने निर्माण करवाया था? अपने माधो सिंह ने करवाया था। किस लिए करवाया था? अतिथि सेवा के लिए करवाया था। ठीक है, जो इसका जो एक साइड में जो मुबारक महल है अब इसको क्या बोला गया? वस्त्रालय। ठीक है, वस्त्रालय संग्रहालय बना हुआ है वस्त्रों का। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आता है अपना लीली पुल महल। लीली पुल महल में ये कहाँ है? आमेर के जयपुर में है। ठीक है, सूर्य की जो राजमाता गायत्री देवी थी ना वो रहती थी इसमें। ठीक है, निवास स्थान है लीली पुल महल जयपुर। तो गायत्री देवी का निवास स्थान का क्या नाम था? लीली पुल महल। एक जैसे 9 महल जयपुर, एक जैसे 9 महल है वो नारगढ़ में है। ठीक है, नारगढ़ दुर्ग ये देखो ऐसे पहाड़ी पे बना हुआ है, इसमें घूम घूम के ऐसे जाना पड़ता है। बहुत ही अच्छा है पर्यटन की दृष्टि से।
निर्माण करवाया था माधो सिंह ने। माधो सिंह जिसने मुबारक महल का निर्माण करवाया था वही इसने नारगढ़ दुर्ग में अपने नौ रानियों के लिए इसने क्या बनाए थे, नौ महल बनवाए थे। एक जैसे हैं ये, बिल्कुल सेम, एक दूसरे के कॉपी हैं ये नौ महल लगातार, और ऐसे हैं भी एक लाइन में, ठीक है। एक जैसे नौ महल कहाँ हैं जयपुर में, किसने निर्माण करवाया था, माधो सिंह ने। किस लिए करवाया था, अपनी नौ रानियों के लिए एक जैसे महल बनवाए बनवाए थे नारगढ़ दुर्ग में, ठीक है। अब जल महल आता है, जल महल कहाँ है, जयपुर में है, ठीक है। ये देखो गर्भवती नदी का पानी आता था उसको रोक के, मानसागर झील है ना उसका, उसके ऊपर इस मानसिंह ने इसका निर्माण करवाया था जल महल का। ये देखो ऐसे इसके चारों तरफ पानी है, बीच में ये महल बना हुआ है, ऐसे लगता है कि पता नहीं ये किस पे खड़ा है। इसमें जाने के लिए पहले क्या कहती है, नाव, नाव के थ्रू जाते थे ये, ठीक है ना। मोती डूंगरी का महल कहाँ है, जयपुर में। इसको क्या बोलते हैं, तख्तेसाई महल भी बोलते हैं। मोती डूंगरी के महल को क्या बोलते हैं, तख्तेसाई का महल भी बोलते हैं। कहाँ है, अपने जयपुर में है, ठीक है। देखो नेक्स्ट और देख लो, सामोदी महल, देखो सामोद महल या सामोदी महल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। सामोद महल महल कहाँ है, चोमू में है। चोमू से थोड़ा दूर है, 9 किलोमीटर दूर है। देखो चोमू से 9 किलोमीटर दूर है, इसको शीश महल भी बोलते हैं और सुल्तान महल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें देखो शिकार के दृश्य, ये मतलब इसके जो जो महल है ना, ये इसके जो भित्ति चित्र बने हुए हैं, इसके ऊपर जो दीवारें थी उसके ऊपर चित्र बने हुए हैं, शिकार के दृश्य भी दिखाए गए हैं, पर्ण्य दृश्य भी दिखाए गए हैं। इसलिए ये सबसे ज़्यादा क्या है, यहाँ पे जो राजस्थान के अंदर शूटिंग होती है वो सामोद महल के अंदर ही होती है, ठीक है। सर्वाधिक फिल्मों की शूटिंग की गई इसमें सामोद महल में, चोमू जयपुर का, ठीक है। इसमें एक जैसे 7 महल बने हुए हैं, ठीक है। कितने महल बने हुए हैं, एक जैसे 7 महल बने हुए, कौन से में, सामोद महल, चोमू जयपुर। इसमें भी देखो पहाड़ों से, एक तो सीधा रास्ता है सीढ़ियों से, एक ऐसे पहाड़ों से घूम घूम के जाते हैं, वो काफ़ी लोकप्रिय, काफ़ी प्रसिद्ध है पर्यटन की दृष्टि से। इसको इसमें बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं सामोद महल में, ठीक है। एक बादल महल है, बादल महल कहाँ है, जैसलमेर में, ठीक है। जैसलमेर में किसने, देखो सिलावटों ने निर्माण करवाया था, सिलावट एक जाति थी, सिलावटों ने निर्माण करवाया था 1884 में। अब फिर सिलावटों ने निर्माण करके इसको भेंट कर दिया था वेरीसाल सिंह को, ठीक है। वेरीसाल सिंह महाराजा रावल था ये, ठीक है। महाराजा रावल, उसको जब पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी, महाराजा रावल वेरीसाल सिंह को इसने, सिलावटों ने भेंट किया था। ये देखो बादल महल जैसलमेर में, ये 5 मंजिला है, इसको ये तो पूरा कंप्लीट 5 मंजिला है, लेकिन 5 मंजिल के ऊपर एक ताजिया टावर है, वो क्या है, प्रसिद्ध है। इसका ताजिया टावर बना हुआ है, वो इसका प्रसिद्ध है। 5 मंजिला में क्या प्रसिद्ध है, ताजिया टावर, किसका, बादल महल का, ठीक है। भेंट किया गया, ये एक महल है जो भेंट किया गया था सिलावटों के द्वारा वेरीसाल को। और देख लो इसमें और है जैसलमेर में, सर्वोत्तम विलास महल, वैसे इसके नाम ही आते हैं तो इसमें कुछ खास नहीं है, तब मैंने इसके आगे नहीं लिखा है ना। तो सर्वोत्तम विलास महल, राजविलास महल, जवार विलास महल, ये कहाँ है, ये भी जैसलमेर में है। जैसलमेर में कितने हो गए, बादल महल है, सर्वोत्तम विलास महल है, राजविलास महल है, जवार विलास महल है, ठीक है। विलास विलास जो इम्पोर्टेंट जो लिखा हुआ वो कहाँ है, अपने जैसलमेर में ही है। सिरोही, देखो सिरोही में क्या है, स्वरूप निवास महल है, ठीक है। केसरी निवास महल है, ओखा रानी का महल है अचलगढ़, ओखा रानी का महल कहाँ है, अचलगढ़ में, सिरोही में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ओखा रानी का महल अचलगढ़ कहाँ पे है, तो अचलगढ़ सिरोही में है, ठीक है। स्वरूप निवास महल, केसर निवास महल, ओखा रानी का महल अचलगढ़ कहाँ है, सिरोही में है। तो देखो महाराजा महाराजा राजकुमार के महल उदयपुर, ठीक है। महाराजा या तो इसको बोलते हैं महाराजा, या फिर राजकुमार के महल कहाँ है, उदयपुर में है, ठीक है। यहाँ पे किसके किनारे बने हुए हैं, जैसमंद झील के किनारे बना हुआ है, निर्माण करवाया था फतेह सिंह ने, ठीक है। राजकुमार के महल का निर्माण किसने करवाया था, फतेह सिंह ने करवाया था, कहाँ करवाया था, जैसमंद झील के किनारे, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लो, राजमहल, राजमहल कहाँ बना हुआ है, उदयपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया था, उदय सिंह ने करवाया था। ये देखो है कहाँ पे, पिछोला झील के किनारे बना हुआ है ये महल, उदय सिंह का महल। राजस्थान का सबसे ऊंचा और विशाल महल है, एकमात्र राजस्थान का सबसे ऊंचा और सबसे विशाल कौन सा है, राजमहल है, ठीक है। इसका नाम है राजमहल, ठीक है। किसका, उदयपुर का, उदयपुर में है ये। ये देखो अभी इतिहासकार, ये सबसे ऊंचा और सबसे विशाल होने की वजह से एक इतिहासकार फर्ग्यूसन, ठीक है। फर्ग्यूसन क्या बोलते हैं, राजस्थान के विंडसर महल की संज्ञा दी गई है इसको। इसको क्या बोला गया फर्ग्यूसन के द्वारा, कि राजस्थान का क्या है, विंडसर है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि फर्ग्यूसन ने जो राजमहल है उदयपुर का, उसको किस नाम से जाना, क्या किसकी संज्ञा दी गई है, तो विंडसर महल की संज्ञा दी है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बना हुआ है, राजमहल उदयपुर वाले में क्या बना हुआ है, इस प्रताप संग्रहालय भी है, ठीक है। महाराणा प्रताप का क्या है, बाला रखा हुआ है इसमें। जगनिवास महल, अपने जगनिवास महल और जग मंदिर उदयपुर में, पिछोला झील के किनारे। देखो एक तो ये पिछोला झील के किनारे क्या बना हुआ है, राजमहल उदयपुर, जो सब क्या है, सबसे ऊंचा है और सबसे विशाल है, ठीक है। इसमें महाराणा प्रताप का भाला रखा हुआ है, इसलिए क्या बोलते हैं, प्रताप संग्रहालय भी बोलते हैं। फर्ग्यूसन इसको क्या बोलते हैं, विंडसर महल की संज्ञा देते हैं, ठीक है। अब देखो जगनिवास महल और जग मंदिर उदयपुर का क्या है, पिछोला झील के ऊपर बने हुए हैं ये जगनिवास महल और जग मंदिर, यानी चारों तरफ इनके पानी है, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी बनाए गए हैं इसको, जगनिवास महल और जग मंदिर में। उदयपुर में देखे बाकी और भी हैं, कृष्णा विलास महल है, हाड़ी रानी का महल है, ये काफ़ी पराक्रमी थी,
ये खुश महल, मोती महल, कृष्णा विलास महल, हाड़ी रानी का महल, खुश महल, मोती महल, ये कहाँ है? उदयपुर में, ठीक है। मोती महल में क्या बनाया? प्रताप का स्मारक स्थान है ये, मोती महल। मोती महल, प्रताप का स्मारक स्थान कौन सा है? मोती महल, ठीक है, उदयपुर में। बादल महल कहाँ है? डूंगरपुर में। इसका निर्माण गेव सागर है ना, गेव सागर के निकट करवाया गया है महारावल वीर सिंह के द्वारा। उदय विलास महल डूंगरपुर में किसने करवाया था? गेव सागर के जो दक्षिण तट है उस पे इसका निर्माण करवाया गया है। उदय विलास महल का किसने करवाया था? उदय सिंह ने करवाया था। उदय सिंह ने किस लिए करवाया था? शाही परिवार के रहने हेतु उसने निर्माण करवाया था उदय विलास महल का, ठीक है, डूंगरपुर में है। बादल महल कहाँ है? डूंगरपुर में है। किसके किनारे है? गेव सागर के किनारे है। महारावल वीर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ओके, बाकी का एक वीडियो और बनेगा अपना, ये महलों का एक बार दो ही वीडियो बनेंगे बस। इसमें जो कंप्लीट महल है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, वो सारे महल मैं बता दूंगी। मुझे लगता नहीं कि कोई महल छूट जाएगा। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।